नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे काम काज कर सकते हैं। दोस्तों पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में वीडियो नहीं बना पाया कुछ रीजंस के वजह से, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो देखा रहेगा दोस्तों तो डेफिनेटली मैंने वहाँ पर सब लेवल्स आपको बता दिए थे कि किस लेवल पर आपको कैसा काम करना है। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम दिखना चाहिए था जैसे निफ्टी दिखा रहा था वैसे हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन निफ्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आज सेलिंग निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला। उसका रीज़न है दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़बरदस्त सेलिंग आया है और वो आने ही वाला था। क्यों दोस्तों, अगर आप उसका भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि निफ्टी स्मॉल और मिड कैप में बहुत बढ़ चुका था और वहाँ पे कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होने वाली थी, जो कि पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन से दिख रहा था। निफ्टी सिर्फ 1% डाउन था, लेकिन दोस्तों अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे जिनका स्मॉल कैप मिड कैप का था ऑलमोस्ट 20% डाउन हो चुका था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेलिंग था वो एक्सपेक्टेड था और वो हमें पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था, हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उस हिसाब से निफ्टी ने काम किया है कि नहीं। दोस्तों हमने निफ्टी का टारगेट बोला था दोस्तों 22,550 तक। निफ्टी ने हाई मारा दोस्तों 22,525 तक हाई मारा और वहाँ से यहाँ पे एक रेंज बनाई। यहाँ पे देखिए वापस बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट दिया था, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे 22,430 इस लेवल पे होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी के लिए, इसने होल्ड नहीं किया, वहाँ से इसने एक जो माइनर सपोर्ट था यहाँ पे, या इसने थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई किया, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने वापस एक सेलिंग दिखाया और वहाँ से वहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो 22,430 हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया और आज मार्केट ओपन वही लेवल पे हुआ, वहाँ पे ओपन होती एक बड़ी रेड कैंडल बनी और वहाँ से, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों हमें ट्रेड ट्रेड डेली नहीं करना है, हमें सिर्फ मौका ढूंढना है अरे बच्चे बड़े टारगेट्स के लिए, सॉरी बड़े टारगेट्स के लिए। और क्यों, यहाँ पे देखिए ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, पहले जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ दोस्तों थोड़ा एनालिसिस के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले, इसने इसको रिटेस्ट किया वहाँ से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक बार दो बार तीन बार आ चुका था और वापस वही सपोर्ट के पास आ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों चांस बनता है कि निफ्टी वहां से ये जो सपोर्ट है इसको सस्टेन नहीं करेगा और वहां से एक वन वे रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सपोर्ट था और ये जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी डेफिनेटली 21,800 के आसपास आएगा और वो हमारा फाइनल सपोर्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी तो वहाँ से हमें सब पोजीशन एग्जिट करनी है, क्योंकि निफ्टी वापस 20,000 की तरफ जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो काम किया निफ्टी ने बहुत ही अच्छा, आज 500 पॉइंट का टारगेट दिया दोस्तों। अभी कल के लिए देख लेते हैं कैसे काम करना है। दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी है। अभी आप मुझे पूछोगे कि सर अगर कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो ऐसा ही मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है क्या? दोस्तों हमेशा बोलते हो अगर ट्रेंड के हिसाब से आप काम करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे, ट्रेंड के अपोज में काम करोगे तो हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो हमें सिर्फ ट्रेंड के साथ काम करना है, ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, लेवल्स में बताऊंगा वापस उस लेवल्स के हिसाब से काम करना है। यहाँ पे देखिए हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट स्विंग हाई जो बन चुका है, स्विंग हाई एक फर्स्ट स्विंग हाई है 22,130 का, अभी इसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, अभी ये क्या हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज ये जो स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई ये रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, यहाँ तक आ सकता है निफ्टी और उसी हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे वापस एक बात बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अभी यहाँ पे बिहेवियर कैसे दिखाता है निफ्टी तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो मोमेंटम आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में और पिछले ट्रेडिंग सेशन में, दो ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है।
तो एक्सपेक्टेड है कि कल ये डाउनफॉल देखने को नहीं मिल सकता। एक तो निफ्टी यहाँ पे कहीं तो पूरा दिन टाइम स्पेंड कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर सेकेंड हाफ में अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है तो बहुत ही वापिस 200-300 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। उसी हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और उसी हिसाब से देखते हैं क्या व्यू बन क्या है। दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मैंने एक प्रीवियस स्विंग हाई आपको ड्रॉ कर दिया है, उसी हिसाब से आपको देखना है कि कैसे काम करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस हाई को काटता है, कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है इस हाई तक। अगर इस लेवल पे आ जाता है निफ्टी और यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है, आपको दिख रहा है होल्ड कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है ट्रेड। हमें यहाँ पे फेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं, हमें फेकआउट से बचना है। क्यों? क्योंकि जब तक अभी निफ्टी 22,250 क्रॉस नहीं करता तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे, तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे, हम कॉल में सिर्फ इस लेवल के ऊपर बैठेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर निफ्टी आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी आपको दिया जाएगा। इस लेवल पे आपको देखना है क्या व्यू बन क्या रहा है। यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है दोस्तों, ओके वापस बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है और सेकेंड कैंडल इमिडिएटली इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे इमिडिएटली पुट में बैठ जाना है, पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। टारगेट आपका वापिस रहेगा 22,900 तक, यहाँ से 150-200 पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों कल हो सकता है कचरे के भाव में ऑप्शंस खरीदा जाएगा बड़े प्लेयरों के तरफ से और हायर प्रीमियम में बेचा जा सकता है, ये वन पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। वैसा हो ही सकता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस लेवल तक जाएगा निफ्टी तब इस लेवल का ऑप्शन, जो इस लेवल का ऑप्शन रहेगा 22,000 का पुट जो रहेगा उसका प्रीमियम आप जाके देखिए कितना रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, निफ्टी को इस लेवल तक लाया जा सकता है और वहां से अगर ब्रेकडाउन देता है और इस लेवल को भी काट देता है दोस्तों, निफ्टी में डेफिनेटली पुट में बैठ जाना है। इस कैंडल का हाई लगाना है आपको एसएल और टारगेट आपको 22,000-21,900 तक रखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे इस लेवल तक आता है तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। दोस्तों एक चैनल में आपको ये निफ्टी काम करते हुए देखेगा और इस लेवल पे आने के बाद अगर ये वापस रिवर्स होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। टारगेट वही रहेगा 21,900 तक हमारा टारगेट रहेगा। ये हो गया सेकंड सिनारियो। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल पे ओपन होता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, पहला कैंडल रेड बनता है, सेकंड कैंडल भी रेड बनता है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। सच में ये नीचे जाने के मूड में है या कुछ फेकआउट देने के मूड में, क्योंकि यहाँ से रेड कैंडल बनने के बाद वापिस यहाँ पे भी आ सकता है तो आपको वेट करना है कि क्या सिनारियो बन के आ रहा है। डेफिनेटली अगर इस लेवल को अगर निफ्टी ने थर्ड कैंडल में काट दिया तो डेफिनेटली आपको फुट में बैठना है। टारगेट वही रहेगा 21,900 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 21,850 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ओके दोस्तों इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाता है तो आपको ये ट्रेंड लाइन वापस ड्रॉ करनी है और इस ट्रेंड लाइन को अगर काटता है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से टारगेट्स बहुत ही कम है। मैं यहाँ पे आपको बाइंग का रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे देखना है अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या एक प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट देके उसका कंफर्मेशन दे रहा है तो यहाँ से वन वे रैली लाया जा सकता है दोस्तों 22,150 तक। तो ये हमारा बाइंग एरिया है, इस लेवल में बाइंग का सोचना है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमसे बाइंग का सोचेंगे, जिस टाइम इस लेवल को ब्रेक कर देगा निफ्टी हम यहाँ से कॉल पुट में बैठ जाएंगे, टारगेट्स हमारे 21,500 तक ओपन हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे आपको निफ्टी के मैंने जो लेवल्स बता दिए दोस्तों, लेवल्स के हिसाब से काम करना है और उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी क्या 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 व्यू देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक ही बात बताना चाहूंगा, जो इम्पोर्टेंट लेवल है इस लेवल को आपको कल वॉचआउट करना है क्योंकि बैंक निफ्टी का ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपायरी हो चुका है। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाता हूँ, अगर बैंक निफ्टी 1 घंटा इस लेवल के नीचे सस्टेन कर देता है, इस लेवल के नीचे 1 घंटा, तो डेफिनेटली पुट में बैठ जाना है। यहाँ से टारगेट आपका
ज्यादा नहीं इस लेवल तक रहेगा, 46,400 तक, 46,400 तक आपको टारगेट रखता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे वापस एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो गोल्डन लेवल्स है दोस्तों, गोल्डन लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 0.38, 0.5 और 0.618। यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है 0.5 के लेवल पे। अगर ये लेवल के नीचे एक घंटे का क्लोजिंग मिल जाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली 0.618 के तरफ बैंक निफ्टी आ सकता है, जो कि 46,500 के आसपास दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे फिबोनाची भी ड्रॉ करना है और उसी हिसाब से देखना है। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी यहाँ से हमारा डेफिनेटली 47,000 तो टारगेट आने वाला है, और 47,000 आ चुका है आज के दिन। तो यहाँ पे आपको फिबोनाची का मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दिया है, और अभी यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड काटता है और इसका कन्फर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में जैसे ही रेड कैंडल बनेगा हम पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, टारगेट हमारा 46,500 और 400 रहेगा। दोस्तों अगर इन केस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड जाता है और इस लेवल के आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन के रिजेक्शन या ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो डेफिनेटली पुट में एग्जीक्यूट करना है और हमारा टारगेट रहेगा 46,900 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है तो वेट करना है, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल तक वेट करना है। इस लेवल पे जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा उस लेवल पे रिजेक्शन लेके हम पुट में एंट्री करेंगे, टारगेट वही रहेगा 46,400 और 500 तक। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल्स मैंने बता दिए हैं, उस हिसाब से काम कीजिए। कल ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया तो बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा राइज देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर फिबोनाची के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली स्ट्रैटर्जी बनाने का ट्राई करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।